सच का सामना कीजिए। आप खुद के लिए जवाबदेह हैं, यानी कि आप अपने आप को जवाब दे सकते हैं पर दूसरों के लिए नहीं। तो आपके जो भी सवाल है खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आप ही के पास है। क्या आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी रहे, एक ऐसी नौकरी जहां से आपको निकाले जाने का कोई भी डर ना हो, या फिर आप सिर्फ दो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप इस तरह अमीर हो जाएंगे? क्या बस यही आपको सेटिस्फाई करने के लिए काफी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे आपकी सोच पर अफसोस है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है वो तो भाई कभी भी पूरा नहीं होने वाला। आप हमेशा गरीबी में ही जिएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आपका पहला कदम ये होगा कि सबसे पहले आप अपने मन से डर को हटा दीजिए। आज की इस क्योंकि ज्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालच आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है। कि रॉबर्ट और हमारा यही कदम हमें नाकामयाबी की तरफ धकेलता है। उनके एक बेशक हम सबके अंदर डर और चाहत की भावना होती है, जिंदगी भर लेकिन खुद पर इतना हावी मत होने दीजिए कि हम उनके बस में होकर उल्टे सीधे डिसीजन लेने लग जाएं। दूसरे पिता बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, हम जो भी करें काफी अमीर, पहले उसके बारे रॉबर्ट रिच डैड बुलाते थे। हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लें। किसी भी इंसान की एक ही वक्त में दो पिता कैसे हो सकते हैं? कर पा रहे हैं जितना कि आपको करना चाहिए? उनके आप अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? रॉबर्ट खुद मेहनत की तरह सोचना छोड़ दीजिए, किसी जो काम सिर्फ नौकरी करके पैसे के लिए करते हैं अपना फ्यूचर ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस दूसरे कम पैसे देता है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, मैं इससे ज्यादा कमा सकती हूँ। वो चाहते थे कि याद रखिए कि आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। जाते बॉस आपकी सैलरी नहीं बढ़ाता तो उसे इल्जाम मत दीजिए, टैक्स को इल्जाम मत दीजिए। जब आप खुद की समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं तब सिर्फ आप मगर जिंदगी की पढ़ाई सलूशन निकाल सकते हैं। और यही वो पहला सबक है जो अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया था। उसे बैठ कर इस सबक का पार्ट ये भी था कि अमीर डैड ने उन्हें कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगा दिया और जानते हैं इस काम के कोई पैसे नहीं मिले, वे बस जो इस काम को करते रहे। अमीर लोग पैसे इसका के लिए काम नहीं हुआ करते कि अपने दिल से काम में लगे रहे और इस दौरान कई नए आइडियाज उनके दिमाग में आते रहे। पैसे को अपने पीछे कैसे भगाया जाए इस बारे में उन्हें कई सारे थॉट्स मिले। मेहनत करवानी होती थी, उन्होंने देखा कि उस स्टोर के क्लर्क को कॉमिक्स के सामने लटका देता था, दो हिस्सों में बांट देती थी, को देखते ही आधा हिस्सा वो रख लेती और आधा हिस्सा काम करता चला जाता था। देर शाम स्टोर में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया करता था, वो कॉमिक्स बुक के ऊपरी आधे हिस्से को क्रेडिट के लिए लेता और बदले में नई कॉमिक्स बुक्स ले जाया करता था। एक दिन उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वो पुरानी कॉमिक्स बुक्स ले सकते हैं? वो गाजर बस एक छलावा पर मान गया कि वे उन कॉमिक्स को बेचेंगे तरह ही होते हैं। ये उनके दिमाग में मेहनत पर मेहनत नया चले जाते हैं इस उम्र में। उन्होंने वे पुराने कॉमिक बुक्स अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर देने शुरू कर दिए। एक सपना बन बदले में वे हर किताब का 10 सेंट किराया वसूल करते थे। से आप हर किताब से दो घंटे के हिसाब से पढ़ने के लिए दी जाती थी। काम करने की बजाय असल मायनों में पैसे को वे उन्हें बेच नहीं रहे थे। उन्हें उस गैराज पर काम नहीं करना पड़ा जहाँ से वे कॉमिक्स किराए पर देते थे। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा जिसके लिए उसे हर हफ्ते $1 दिया जाता हम पर हावी और होने एक ही हफ्ते में उन्होंने $9.5 कमाए। के गरीब ही इस तरह उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम करने दो और ज्यादा मेहनत करने में जुट जाते काम करो। फिर हमारा ये सबक तो हमने सीख लिया, रॉबर्ट ने भी सीखा और अब हम दूसरा सबक कल्पना करने लगे हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाई जाए, हासिल की जा सकती है? 1923 यानी 1923 में एच वाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग देता है दुनिया के बहुत से लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन हम इस मीटिंग का हिस्सा बने। इनमें से एक थे बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शवाब से बढ़ने लगा और सैमुअल इंसुल उसको भी अमीर लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रेसिडेंट और बाकी कई और बड़े बिजनेसमैन। अब इसका नतीजा ये हुआ कि 25 साल बाद से कई लोग गरीबी में मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली थी तो ये और कईयों ने तो अपना दिमागी संतुलन खो दिया था। ये ट्रैप अवॉइड करना है। असल बात ये है कि लोग पैसे कमाने में इतने अमीर हो जाते हैं कि वो ये खास बात सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को रखा कैसे जाए। पीछे मत भागिए, आप चाहे जितना मर्जी पैसा भागने के लिए बनाए कर दीजिए, असली बात आपकी नौकरी। और अगर ये हुनर आपने सीख लिया करके मत किसी भी हर आड़े टेढ़े हालात का सामना आसानी से कर लेंगे। आपके साथ लॉटरी में मिलियन जीतने वाले लोग कुछ सालों तक तो मजे महीने की कहानी बन जाती है, वापस उसी पुरानी हालत में पहुंच जाते हैं और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। लोगों के सवाल होते हैं लेकिन अमीर कैसे बने के लिए ही काम या अमीर बनने के लिए क्या किया जाए? कभी भी इन सवालों के जवाब से ज्यादातर लोगों को निराशा ही होती है। सामना कीजिए मगर इसका सही जवाब होगा कि सबसे पहले आप फाइनेंशियली लिटरेट बनना सीखें। देखिए, अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा।